नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू की नान। ये देखिए, मैंने एक बड़ा कप आटा लिया है। ये इसमें नमक डाला, इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच घी। ये देखिए इस तरीके से, ये हमने डाला दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, बस इतना। और अब इसमें हम डाल देंगे बेकिंग सोडा, ज़्यादा नहीं डालना। देखिए दो चुटकी ही डालना है इसके अंदर। देखिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हम आटे में मिला सकते हैं लेकिन दही में मिलाएंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम डो लगा लेते हैं, डो तैयार करते हैं। देखिए हमारा आटा गूंद कर तैयार है। ये देखिए इस तरीके से। मैंने यहाँ पर आटा लिया है, आप चाहे तो यहाँ पर आधा आटा आधा मैदा भी ले सकते हैं हाफ में, लेकिन मैदा सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं यहाँ पर आज आटे से ही बना रही हूँ। अब हम एक चम्मच घी और ले लेते हैं। देखिए इसे हम, ये मैंने बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, कद्दूकस कर लिए हैं। ये मैंने इसमें 100 ग्राम पनीर लिया है कद्दूकस करके। ये मैंने इसमें एक मीडियम साइज की प्याज, अगर आप प्याज पसंद नहीं करते तो स्किप भी कर सकते हैं। ये कटा हुआ हरा धनिया और ये हरी मिर्ची। मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची कमी डाल दी क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाला, काली मिर्ची, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिल्ली। और मेरे पास आज अनारदाने नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर अमचूर डाल रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पर डाला नमक। आप स्वाद अनुसार डाल लें अपने हिसाब से। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू का रस, मैंने नहीं डाला है। आप इसमें कोई भी मसाला अपने हिसाब से अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए हमारे आटे का डो तैयार हो गया है। ये देखिए इतना सॉफ्ट है। इस तरीके से हम इसे बड़ा कर लेंगे अच्छे से, दोनों तरफ आटा लगा के। इसे हम इस तरीके से देखिए, इसको हम इस तरीके से ऐसे कर रहे हैं। ये अपने हम
तैयार किया था इसके भराव के लिए इस तरीके से, और इसको इस तरीके से बंद करेंगे, इस तरीके से, इससे जिससे मसाला बाहर ना निकले। देखिए अब इसके हम आटा लगाएंगे दोनों तरफ। इसको हल्का सा हाथ से ही बढ़ाएंगे हम इस तरीके से, ताकि अंदर का मसाला ना निकल पाए। तब तक हम गैस ऑन कर लेते हैं, लो फ्लेम पर करिए मैंने। अब इस पे हम इस तरीके से बेलन घुमाएंगे हल्के हाथ से। अब हम इस पर पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से धीरे धीरे अच्छे से पक सके। कलौंजी डाली है, सफेद तिल, ये देखिए इस तरीके से मैंने अच्छे से चिपका दिया। पानी दोनों तरफ ही लगाना है। ये हमारा तवा गर्म हो चुका है, देखिए अभी पकने लगा है। तब तक हम दूसरा नान भी तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए हल्के हाथ से। अब इसी तरीके से सारी नान बनाना है। देखते हैं, ये देखिए हमारी नान कितनी अच्छे से पक चुकी है। इसको इस तरफ से ऐसे पलट देंगे, देखिए कितना प्यारा कलर आया है। ये देखिए दोनों तरफ से हमारी नान अच्छे से सिक चुकी है। देखिए अब इसको हम गैस पर, आप सीधा तवे पर भी कर सकते हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा वजन होता है, इसलिए थोड़े हल्के हाथ से ही करें। इस पे हम घी लगाएंगे। ये देखिए इसे आप दाल फ्राई, मखनी, स्याही पनीर, मटर पनीर किसी से भी खा सकते हैं, और अगर सब्जी खाने का मन ना हो तो ऐसे भी खा सकते हैं। ये मैंने घर का बनाया, मक्खन डाला है। आप चाहे तो बाज़ार से ला कर भी यूज कर सकते हैं मक्खन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और लाइक करें।